जनपद में बुधवार को जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 45 साल के ऊपर के 6674 लोगों का और 18 साल से ऊपर के 1832 लोगों को वैक्सीन लगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर सुबह 10 बजे से ही नागरिकों ने सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन लगाकर बारी बारी से रजिस्ट्रेशन कराया और अपना टोकन लिया और वैक्सीन करवाया। बुधवार के वैक्सीनेशन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैक्सीनेशन के बाद नागरिकों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया। इस अवसर पर टीकाकरण कराने आए नागरिकों ने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने वाले नागरिकों ने कहा, ऋषिकेश मिश्रा नाम है। मूवमेंट है गवर्नमेंट का और इस समय त्रासदी के समय में हम लोग के लिए एक चक्रव्यूह का काम करेगा कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा प्रदेश सुरक्षित रहे और मेरा देश सुरक्षित रहे। ये तो जब से गवर्नमेंट ने ओपन फॉर ऑल नहीं किया था तभी से हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब ओपन हुआ 1 मई से, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव कदम है गवर्नमेंट का और हम लोग इसके लिए थैंकफुल है यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने जो एक कदम उठाया है बहुत सकारात्मक है और जो हम लोग परेशान हैं इस टाइम के कोविड में, ये होगा वो होगा, तो बहुत अच्छा है। और इस जो सरकार ने ये फ़ायदा हम सबको दिया है, इसका जरूर सब लोग अच्छे से अच्छा लाभ उठाएं और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। आज आपको वैक्सीनेशन बहुत कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वैक्सीन नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही उम्मीद है। सुमित कुमार जैन नाम है। वैक्सीनेशन लगा कैसा लगा? अच्छा लगा। कितने दिन से हो रहे हैं? जी सर, कितने दिन से इंतजार कर रहे थे आप? 1 महीने से इंतजार कर रहे थे, अभी तक अभी आज जाके लगी है। कहाँ से आप आए? राजेंद्र नगर से आए।